नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास की ओर। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अपना प्यार दें। पहली तस्वीर, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का पार्थिव शरीर। दूसरे नंबर पर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बेटे। और तीसरे नंबर पर सतलुज नदी को पार करने के लिए लोग बैलों की खाल में मुंह से हवा भरकर नाव की तरह उसका प्रयोग करते थे। और नंबर चार पर है कलकत्ता में जेवरा गाड़ी। नंबर पांच पर एक समय में इंडिया गेट के पास ऐसी खाली जमीन भी थी। नंबर छह पर मिर्जा गालिब की एकमात्र तस्वीर। और नंबर सात पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद के निजाम से मुलाकात करते हैं। इस तस्वीर में मद्रास विश्वविद्यालय का एक छात्र पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए इसलिए उसकी चोटी बांध दी गई है। और इस तस्वीर में जो बच्चा दिखाया गया है, ये बच्चा टेस्ट ट्यूब तकनीक से पैदा हुआ पहला बच्चा है। और इस तस्वीर में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के पार्थिव शरीर के साथ महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर में बर्मा भेजे जाने से पहले अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की तस्वीर। और ये वो खुश नसीब इंसान हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पर हुए परमाणु हमले के बाद भी बच गए थे। पहला व्यक्ति जिसे फिल्म रिकॉर्ड करने वाले कैमरे में कैद किया गया था। 1971 की जंग हारने के बाद भारतीय जवानों के सामने आत्मसमर्पण करते पाकिस्तानी जवान। पूरी तरह इस्लामिक देश बनने से पहले ईरान में महिलाओं के पास ज्यादा आजादी थी। रूस के सबवे में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेटी इंदिरा गांधी संग। और इस तस्वीर में क्रिप्स के साथ गांधी जी। इस तस्वीर में महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर और महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन एक साथ। और ये हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी अपनी पत्नी सविता अंबेडकर जी के साथ। ये वो खुशी के पल जब अंग्रेजों का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लहराया गया था। धन्यवाद दोस्तों, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना साथ हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।